गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। माई चैनल नेम इज़ नमो व्लॉग। आज मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ अपने बगीचे में। उसका रास्ता कुछ ऐसा है और आप पीछे मेरे देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी स्नो भी रह गई है। ये सेवन डेज पहले ये स्नो पड़ी थी और अब ये पिघलना शुरू हो गई है, क्योंकि दो तीन दिन से काफ़ी अच्छी धूप है यहाँ पे। गाइज, ये रास्ते में जाते जाते मुझे अपनी बुआ जी मिल गए हैं। गाइज, ये रास्ता है बगीचे के लिए। हमारे बगीचे के लिए जाने के लिए तीन रास्ते हैं, जिनमें से ये सबसे ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ से आपको इसलिए ले जा रही हूँ ताकि आप व्यू एंजॉय कर सकें, देख सकें कि कैसा दिखता है हमारा बगीचा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे बगीचे का व्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जन्नत में काश आपको भी रहने को मिलता। ये देखिए, सामने नीचे सतलुज रिवर दिख रही है, उसके सामने आपको छोटा सा गांव दिख रहा होगा जिसको हम सपीलो बोलते हैं। NH पे पड़ता है ये। ये यहाँ पे प्रूनिंग हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, अब छोटी छोटी सी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ये जो प्रूनिंग करने वाले अंकल हैं, तीन लोग आए हैं, ये तीनों के तीनों करसोग से हैं। अभी मैं आपको इनसे भी बात करवाऊंगी, इनसे भी ये भी बताएंगे आपको कि प्रूनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम करते हैं और इनको कितना टाइम हो गया है किन्नौर आके। फ्रेंड्स, ये अंकल हैं जो हमारे यहाँ पे कटिंग करने आते हैं। अब मैं अंकल से आपकी बात करवाती हूँ, इनको कितना टाइम हो गया किन्नौर में आते आते और क्यों कटिंग की जाती है, कैसे कटिंग की जाती है। आप ये देखिए, अंकल आपको कितना टाइम हो गया किन्नौर आते आते? तो बहुत साल होगी, पर बीच में जा रहा ना बगीचा औरों के पास। हाँ जी, तो ये तो मेरे को बहुत, एक बार ऐसा हुआ, एक बार और पहले मैं चलता था कभी साल। अच्छा जी, फिर कटर और आगे एक साल पीछे। हाँ जी, तो उन्होंने थोड़ा सिंगल छोड़ दिया पेड़ ऊपर को। हाँ जी, तो सिंगल छोड़ा तो इसमें रिंग साफ से रिंग नहीं लगाना, पिछले साल इसमें रिंग लगाना चाहिए था थोड़ा। हाँ जी, तो उस हिसाब से जो है पेड़ चला गया आगे, मतलब सेब जो है आगे आगे गया। अच्छा जी, फिर सिंचाई नहीं हुआ ढंग से। हाँ जी, अगर इसकी सिंचाई ढंग से करेंगे, इसमें बीमा ठीक रखेंगे तो बैक भी करना पड़ेगा पेड़ मार को। अब आगे गया, आगे सेब लगेगा, फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, फिर पेड़ जो है नीचे बैठेगा। हाँ जी, इस हिसाब से मार को साफ से बीमा भी रखना पड़ेगा, रहना भी मजबूत। अगर मैन एक फुट, तो एक मेन जो लीडर होगा। हाँ जी, एक फुट जो है मतलब खाली होना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा है पेड़ों में थोड़ा फर्क आया ना, जैसे मैंने किया कटिंग, वो तो है नहीं सुविधा। हाँ जी, एक मिनट, पिछले साल बंदे आए थे और उन्होंने सिंगल छोड़ दिया, बिल्कुल सिंगल भागे पुराने जो कि ऊपर से सिंगल तो सीधा बीमा भरेगा पूरे में। अच्छा जी, फिर रिंग टाइप से मतलब उसको मारना पड़ता है। अच्छा, रिंग हिसाब से मतलब पुराना पौधा है, फिर खराब भी हो सकता है। अच्छा जी, अगर नया हो तो उसमें तो चलो चलता है रिंग रंग सब कुछ। अच्छा जी, तो इसमें तो साफ से होता बीमा हिसाब से। ये डंडा किस लिए रखा है अंकल जी आपने, ये जो आपके हाथ में? अच्छा, ये कहीं ऐसे बाहर जाता, कोई पेड़ मान लो मारा ऐसे बाहर चला गया कोई टाइम। हाँ जी, उसको थोड़ा खींचना। अच्छा अच्छा, तो उसको फिर इसको इसकी हेल्प से आप खींचते हो? हाँ, इसकी हेल्प से हमारे ये हेल्प रहेगा मतलब पूरा। अच्छा जी, इससे जो है हमारा काम चलता ठीक है। अच्छा जी, क्यों काट रहे हैं? तो इसलिए कट रहे कि इसमें पहले कैंकर बीमारी लग गई, लेकिन ये थे पहले यार। अच्छा, टूटे हुए थे ना बर्फ की वजह से पेड़। हाँ जी, फिर इसमें इसमें पेस्ट सही तरीके से लगा, जैसे हम अच्छा वो सही नहीं लगा। अच्छा जी, इसके कारण इसमें बीमारी लग गई। अच्छा जी, फिर इसको काट के फिर ये ठीक रहेगा पेड़? फिर का इसमें भी देखना पड़ेगा, इसमें कैंकर की एक काटना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर पेस्ट लगा के फिर पेड़ चल, फिर चल जाता है। ठीक है, ठीक। को कितना टाइम हो गया किन्नौर आते हुए? आप हमारे घर पे अभी इसी साल आए? पहले भी आए थे आप? अच्छा, तो कितना टाइम लगता है हमारे घर में प्रूनिंग के लिए, कितने दिन लगते हैं? 60 दिन सब मिला के, ऊपर कर कल्ला, ये कल्ला वाला भी।
फ्रेंड्स, अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपने घर के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर से, जो हैं धनिया भैया। ये हैं धनिया भैया। हेलो बोलो धनिया भैया। धनिया भैया, आप क्या कर रहे हो? ये अच्छा, इसको लगाने से क्या होगा हमारे पेड़ों को? ये ठीक होता दवाई। अच्छा, के लिए लगाते दवाई। हाँ, ये जहाँ जहाँ प्रूनिंग किया वहाँ वहाँ लगाना पड़ता है। मोटा कटिंग है, उसमें लगाना पड़ता है। अच्छा, धनिया भैया कहाँ से है? धनिया भैया झारखंड से है। झारखंड से है। और नानी के पास कितना टाइम हो गया आपको? हो गया दस। दस साल? दस साल। और कानम आते आते कितना टाइम हो गया? कानम भी आठ साल तो हो गया होगा। आठ साल हो गया। फ्रेंड्स, धनिया भैया हमारे घर में आते आते इनको 8 साल हो गए हैं। ये 8 सालों से यहाँ पे आ रहे हैं। हर सर्दी में आते हैं, क्योंकि जहाँ मेरी नानी का घर है जंगी, वहाँ पे सर्दियों में कोई ज़्यादा काम होता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये 3 to 4 months के लिए, ऑलमोस्ट दिसंबर से लेकर मार्च तक ये यहीं रहते हैं हमारे पास और यहाँ का काम देखते हैं। ये मेरे बगीचे के बीचों बीच में एक टैंक बना रखा है, कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स, आपको किन्नौर की ठंड का अगर अंदाज़ा लगाना है तो किन्नौर में जो ठंड होती है उसका अंदाज़ा हम पानी के जमने से लगा सकते हैं। ये देखिए, आजकल इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। आजकल मतलब 6 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ठंड नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है दिन में, बट फिर भी रात में माइनस में टेम्परेचर चला ही जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतने बड़े टैंक में भी कैसे हमारा पानी जम गया है। ये देखिए, इसको मैं हिला रही हूँ। ये देखिए कैसे टूट रहा है, और ये मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, कैसे टूट चुका है। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, पता चले मैं ही अंदर चली जाऊँ। ये देखिए, ये निकाला है मैंने। गाइज, ये कांच नहीं है, ये जमा हुआ पानी है। काफ़ी सारे लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि विलेज लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। क्यों क्यों मैं ये कह रही हूँ? मुझे इससे पहले कभी इतना चांस नहीं मिला अपने गांव में रहने का, ड्यू टू माई स्टडीज़, मेरी जॉब की वजह से। बट अब मैं जबकि यहाँ लास्ट 5 ईयर्स से हूँ, इस लॉकडाउन की वजह से मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने बगीचे में आने का, अपने लोगों से इंटरेक्ट करने का, नए नए कल्चर को जानने का। तो मैं तो इन्जॉय कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने गांव में, अगर आप गांव में हैं तो। अगर नहीं हैं तो हो सकता है आप मेरी इस वीडियो को देख के अपने गांव को ज़रूर मिस करें। फ्रेंड्स, नेचर हमें बहुत कुछ देती है, बहुत ज़्यादा। अगर हम इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए तो ये काफ़ी कुछ देती है, तो इन्जॉय करना चाहिए हमें। ये यहाँ पर प्रूनिंग हो चुकी है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि ब्यूटी ऑफ नेचर। एप्पल सीज़न ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी कुछ छोटे छोटे एप्पल्स मेरे ये देखिए मैं कैसे नीचे चली गई बिल्कुल ही। ये स्नो अभी तक मेल्ट नहीं हो रही है। ये देखिए, छोटे छोटे एप्पल्स मेरे यहाँ पे अभी भी हैं, बेशक ये थोड़े ख़राब हो चुके हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, वो शी इज़ फ्रॉम ठियोग। तो वो मुझे कहती हैं कि हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, हमारे भी प्रूनिंग करते हैं, हम लोग भी ये अपने घरों में लकड़ियाँ लेके आते हैं जलाने के लिए। तो मैं अपनी मम्मी से ऐसी डिस्कस कर रही थी, तो मेरी मम्मी ने बताया कि हम डायरेक्टली इन लकड़ियों को नहीं जलाते हैं, हम क्या करते हैं, जो इनका ये पतली पतली वाली लकड़ियाँ होती हैं, ये हम अपनी बकरियों को खाने के लिए देते हैं, और जो ये मोटी लकड़ियाँ होती हैं, ये देखिए ये वाली जो ये मोटी लकड़ियाँ हैं, जो थोड़ा मोटा मोटी टहनी होती हैं, इनको हम नहीं दे सकते उनको, बेचारों की दांत इतने छोटे छोटे से होते हैं और वो हमेशा घास ही खाती हैं, तो ये लकड़ियाँ अगर उनको दे दी तो वो चबा भी नहीं पाएंगी इनको। तो हम इनको डायरेक्टली घर में जलाने के लिए ले जाते हैं। बट जो पतली पतली सी लकड़ियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये जो पतली पतली सी लकड़ियाँ हैं, इन्हें हम उन्हें खाने के लिए दे देते हैं, और इवन वो इसको पूरा भी मुंह में डाल देती हैं
उनके पेट में चला जाता है, बट अगर हाँ सिर्फ इसका रस लेने के बाद वो थोड़ा थोड़ी देर चबाने के बाद इसको, उसके बाद अगर ये लकड़ियाँ फिर हमें मिल जाती हैं, ये लकड़ियाँ, तो फिर हम इसको घर ले जाते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जाते टाइम जैसे लेके गई थी ऊपर से होते हुए, ऐसे गई थी मैं ये परे तक, ठीक है, और मैं काफ़ी आगे तक जाके आई थी, बट अब मैं आते टाइम ये बगीचे से होते होते बीच बीच से आई हूँ, तो मैं सेकंड एंट्रेंस पे पहुँच गई हूँ जहाँ से हमारे बगीचे को एंटर करते हैं, क्योंकि ये तीन फेजेस में है। अगर कभी हम पानी देने वालों को चाय या फिर खाना लेके आते हैं तो फिर हमें बताया जाता है घर से कि इस वाले एंट्रेंस से जाना, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाओगे। ये सेकेंड एंट्रेंस है, आप ऊपर से भी होते हुए जा सकते हो, और जो इसका थर्ड एंट्रेंस है वो नीचे वाले रास्ते से है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये है वो तीसरा रास्ता जहाँ पे हम बगीचे के लिए एंटर कर सकते हैं। यहाँ से नीचे भी एक रास्ता है, बट उसको हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, इन तीन रास्तों से हमारा काम चल जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं अपने बगीचे से वापस घर की ओर जा रही हूँ। आपको घर की ओर जाते जाते अपनी, एक दिन हमने यहाँ पे पहले मटर बिजाई की थी सिर्फ खाने के लिए, अपने खाने के लिए, तो वो दिखाती हूँ आपको। पीछे एक झंडा दिख रहा है मेरे पीछे, ये देखिए, ये हम हर साल लोसर में लगाते हैं, शायद लोसर से थोड़ा पहले लगाते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला खेत भी हमारा ही है, बट ये हमारी दादी जी को हमने दिया था। हमारी, मेरी एक दादी जी हैं, मेरे दादू की रियल सिस्टर, उनकी मैरिज हमारे ही गांव में हुई है, तो उन्हें दिया था, बट अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं तो उन्होंने ये खेत छोड़ दिया। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आप मैरिज करते हो, अगर आप सेम विलेज में मैरिज कर रहे हो, तो आपको आपके घर वाले कुछ ना कुछ लैंड दे देते हैं, तो जब वो लैंड दी जाती है, जब वो नहीं कर पाते या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वो लैंड वापस उसी घर में वापस चली जाती है। तो ये वाली लैंड दादी जी ने, अब वो नहीं इतना कर पाते हैं तो उन्होंने छोड़ दी है, तो अब हम इस पर, हमने इस पर पौधे लगा दिए हैं ये सेब के। फ्रेंड्स, पता नहीं मुझे आपको हवा इतनी फील हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत हवा है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये साथ वाला मैंने आपको दिखाया था, ये हमने दादी जी को दिया था, ये वाला हमने बुआ जी को दिया है, जो मेरी बुआ जी हमारे ही गाँव में, मेरे पास मेरी दो बुआ जी हैं जिनमें से एक हमारे ही गाँव में मैरिड हैं, तो उनको दिया था, वो यहाँ पर ग्रो करती हैं जो उन्हें ग्रो करना होता है। और जो इसके साथ वाला बगीचा, सॉरी साथ वाला खेत है, इस पर हमने एक दिन मटर बीजा था। उस टाइम तक मैं यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाती थी, तो मैंने नहीं बनाया। इसके बाद जब भी कोई ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैं घर वापस जा रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। आई होप आपको ये हवा की नॉइज़ सुनाई दे रही हो और मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही हो, क्योंकि अब मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही है। ऑल तो धूप है बट हवा ज़्यादा है, सब कुछ मफलर सब उड़ रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से आगे जाते ही, थोड़ा आगे जाते ही हमारा शिन्नंग आता है। अगर कभी उसका टूर भी करवाऊँगी, हमारे पास बहुत सारी बकरियाँ हैं, गधे हैं तीन और गाय भी है, कभी मौका मिलेगा तो उसका भी टूर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा शिन्नंग आ गया है। अब इस शिन्नंग का टूर मैं आपको कभी और करवाऊंगी। शिन्नंग का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने भेड़ बकरियाँ, गाय, गधे, घोड़े, ये सब रखते हैं। इधर घास रखने की भी काफ़ी जगह है, काफ़ी जगहें हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, अब मैं वापस घर की ओर चल पड़ी हूँ अपना वीडियो बनाकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज़।